सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। रिटेंशन कर्मचारी संघ ने लघु सचिवालय के अंदर एक दिवसीय धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन विधायक पृथ्वी सिंह को सौंपा। रिटायर कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांगों को सरकार जल्द पूरा करे, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 साल पूर्व वादा किया था, लेकिन आज तक मांगों पर कोई अमल नहीं हुआ, जिसको लेकर कर्मचारियों में खासा रोष है और मजबूरी वश कर्मचारी जिला और ब्लॉक स्तर पर 31 तारीख तक धरना जारी रखेंगे। लघु सचिवालय में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार द्वारा मांगे पूरी नहीं होने को लेकर धरना दिया है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें बीमार होने के बाद सुविधाएं दी जाए, पंजाब की तर्ज पर पेंशन लागू की जाए, 7वां पे कमीशन का बेनिफिट दिया जाए। 1.5 साल बाद भी 1% लोगों को लाभ नहीं हुआ है। 70 साल से उम्र के अधिक व्यक्ति को पेंशन का 10% बेनिफिट दिया जाए और 75 साल वाले को 15% बेनिफिट दिया जाए, लेकिन आज तक नहीं मिला है। आज हमारा धरना है रिटायर कर्मचारियों का। मुख्यमंत्री ने 1.5 साल पहले हमारा 7वां पे कमीशन का फिटमेंट बेनिफिट लागू करने का वायदा किया था और 1.5 साल में 1% लोगों को भी वो लाभ नहीं मिला। रिटायर होने के बाद कर्मचारी चारों ओर से बीमारियों से गिर जाता है। हर कर्मचारी को कैशलेस बेनिफिट दिया जाए, किसी भी अस्पताल में किसी भी बीमारी का बिना शर्त और बिना राशि के इलाज होना चाहिए। तीसरी मांग है, 2 साल पहले मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया था, जो कर्मचारी 70 साल का हो जाता है उसको 10% बेनिफिट देंगे हम पेंशन का, और जो 75 साल का हो जाएगा उसे 15% देंगे। लेकिन सरकार ने अब साफ इनकार कर दिया कि पंजाब की तर्ज पे पेंशन लागू नहीं की जा सकती। सत्य खबर के लिए नरवाना से गुलशन चावला की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।